Welcome back once again. Myself Pranshu Kumar Pathak, and we are discussing about previous syllabus and as well as expected topic for 2020, as well as why I am discussing this syllabus, because it's very important for new viewers. जो पहली बार सोचे होंगे कि नहीं मुझे भी CSIR की तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बने रहिए, आगे बढ़ते हैं. अब है द इन मोमेंट. भाई कोई भी फिनोटाइप जो आप देखते हो ना, वो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग कहते हैं ना फिनोटाइप, तो फिनोटाइप सिर्फ जीनोटाइप से नहीं आता. फिनोटाइप जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसके इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं. ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शंस, दिज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज. सो कैसे इन्वायरमेंट प्ले इंपॉर्टेंट करता है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, हैबिटेट एंड निश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हैबिटेट और निश में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये आना चाहिए. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड निश, ये आपको समझ में आना चाहिए. निश विथ ओवरलैप फंडामेंटल एंड रियलाइज निश, किसे कहते हैं फंडामेंटल निश और किसे कहते हैं रियलाइज निश, इस पर क्वेश्चन आते हैं. फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, अब है पॉपुलेशन इकोलॉजी. खास करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन है, नेचर है ग्रोथ का, वो जो पॉपुलेशन का है, वो दो तरह के पॉपुलेशन नेचर में पाए जाते हैं. वन इज आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन और सेकेंड इज के सेलेक्टेड. के सेलेक्टेड उसे कहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैरेंटल केयर होता है और कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो उतना ज़्यादा नहीं हो सकता. आर सेलेक्टेड स्पीसीज वैसे स्पीसीज को कहते हैं जो कि मतलब अनलिमिटेड प्रोजेनी बनते हैं, मगर उनका डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में पढ़ें. सर्वाइवल कर्व क्या होता है, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़िएगा, कैसे ग्रोथ कर्व कैसे कैसे काम करता है, ये आपको पढ़ना है. ठीक है, डिस्पर्सल क्या है, इंटरडेमिक एक्सिस्टेंस, एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, एज स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके बेसिक आपको कहाँ से पढ़ने हैं, या तो कैंपबेल से पढ़िए, कैंपबेल इज द बेस्ट बुक फॉर इकोलॉजी. बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें मतलब शॉर्ट टर्म में कैसे कवरअप करें, तो भाई पाथ फाइंडर इज द बेस्ट बुक फॉर योर इन पाथ फाइंडर आप इसको अच्छे से कम समय में कर सकते हो. ठीक है, अब है स्पीसीज इंटरैक्शन, टाइप ऑफ इंटरैक्शंस कैसे होते हैं, कंपटीशन क्या होता है, हर्बीवोरी, कार्निवोरी, पॉलिनेशंस कहते हैं कैसे होते हैं, सिम्बियोसिस कैसे होते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में पढ़िए. ठीक है, अब बात उठती है इकोलॉजिकल सक्सेशन. यहाँ से क्वेश्चंस हर बार मैं देखता हूँ कि पूछा जाता है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रियली ऐसे पूछे जाते हैं कि पता ही नहीं चलता इसका आंसर क्या होगा. और इधर तो मैं देख रहा हूँ कि इकोलॉजी पोर्शन से पिछले दो बार से क्वेश्चंस बहुत कम पूछ रहे हैं, बट फिर भी दिस टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कब कहाँ से क्या पूछे कोई पता नहीं. फिर इकोसिस्टम जो इकोलॉजी की है, ये आप थोड़ा पढ़िएगा, इकोसिस्टम कैसे कैसे फ्लो एनर्जी होती है. ठीक है, ये सारा थोड़ा पढ़िएगा. फिर है बायोजियोग्राफी, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोमास, आइलैंड बायोग्राफी, है ना, और बायोजियोग्राफिकल जोन इन इंडिया जितने भी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ हैं, कहाँ हॉटस्पॉट्स कितने हैं, कैसे कहाँ हैं, सारी चीज़ें जानकारी आपको होनी चाहिए. अप्लाइड इकोलॉजी कहता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ो, ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंज पढ़ो, बायोडाइवर्सिटी स्टेटस पढ़ो, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन मेजर बायोडाइवर्सिटी चैलेंज, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट अप्रोचेज, आप कैसे बायोडाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हो, कैसे कंजर्व कर सकते हो, ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, मेजर अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन केस स्टडीज ऑन कंजर्वेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट टाइगर, बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये सब चीज़ें आपको जानना है और ये आपको रियली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा. अब है इको इवोल्यूशन एंड बिहेवियर्स, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो जो थाट्स जो इमर्ज करते थे शुरू में, वो डार्विन के थाट्स थे. ठीक है, फिर लैमार्क के सिद्धांत थे, है ना, फिर मेंडलिज्म भी बहुत ज़्यादा शुरू में था, मेंडल के स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की थ्योरी,
फिर बहुत सारे इवोल्यूशनरी सिंथेसिस जो हुए, कैसे बायोमोलिक्यूल कैसे रिजनरेट किया, ठीक है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुए, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स कैसे बने, ऑरिजिन ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स, एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैन, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरिन एंड हेल्डन एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट्स, है ना, फर्स्ट सेल प्रोकैरियोट्स कैसे आए, यूकैरियोट्स कैसे आए, एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, एरोबिक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुए। तो एक जो बेसिक जो पुराना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ऑरिजिन ऑफ सेल और ऑरिजिन ऑफ लाइफ की, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब है पैलियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो टाइम स्केल आपको पता होना चाहिए, एराज पता होना चाहिए, इपोक, लेकिन इससे क्वेश्चंस पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे हैं सीएसआर वाले, क्योंकि रिटर्न थे तो लोग रट रट के जा रहे थे, तो यहाँ से क्वेश्चंस बना रहे थे, तो एक पूरा सेक्शन ही हटा दिया उन लोगों ने, पता नहीं क्यों हटाया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बार फिर से आप इसको देखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ रहा है, तो इसको आपको कवरअप करने की ज़रूरत है। पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल इवोल्यूशन एंड मॉलिकुलर डाइवर्जेंस एंड मॉलिकुलर क्लॉक, मॉलिकुलर टूल्स ऑफ फाइलोजेनी, जो कि जो है टैक्सोनॉमी वाले बच्चे अच्छे से इसको बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एनालिसिस, ऑरिजिन ऑफ न्यू प्रोटीन एंड जीन, जीन डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस, यहाँ से ऑलरेडी मैंने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, भैया अगर एक कोई पढ़ के नहीं गया तो भैया समझो कि उसके लिए आफत है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जीन पूल क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी बिंगिंग लॉ जो है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेट चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी थ्रू नेचुरल सेलेक्शंस, माइग्रेशन एंड रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपको पता होना चाहिए। और इसको, इस सारे चीज टॉपिक को बहुत अच्छे से कवरअप किया गया है बेंजामिन एंड पीस में। तो बेंजामिन की बुक आप पढ़ोगे जेनेटिक्स की, तो सबसे द बेस्ट वे है कि वहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस भी बहुत अच्छा दिया है उसमें। तो बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी बुक्स कहाँ पे पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है अडेप्टिव रेडिएशन आइसोलेशन मैकेनिज्म, स्पेसिएशन, एलो एलोपैट्रिसिटी, सिंपैट्रिसिटी, तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा, स्पेसिएशन के जो भी पार्ट हैं उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। कोएवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ये सब चीज़ पढ़ना है। ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन आपको पढ़ना है, बिहेवियर इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, खास करके स्टडिंग बिहेवियर्स और अल्टरिस्टिक बिहेवियर क्या होता है ना, किन सेलेक्शंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल अल्टरिज्म क्या होता है, ये सारे से क्वेश्चंस हर बार पूछते हैं लोग, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल डोमिनेंस, यूज ऑफ स्पीच, यूज ऑफ स्पेस एंड टेरेस्ट्रियल, मेटिंग सिस्टम, मेटिंग बिहेवियर आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रिप्रोडक्टिव सक्सेस पढ़िएगा, और ये सारी चीज़ें फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके माइग्रेशन, ओरिएंटेशन, नेगेवेशन एंड दिस थिंग्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी चीज़ें पढ़िए, सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको बेंजामिन एंड पीस में मिलेगा। और हाँ, पाथफाइंडर आप तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, वो आपके लिए है। तो अप्लाइड बायोलॉजी जो है और जो मेथड्स इन बायोलॉजी है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इतना, पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।